हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 के सॉल्यूशन, और ये पार्ट 9 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 161 से 170 तक डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 161 है, अ पर्सन हैविंग मास 60 किलोग्राम इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विच इज फ्रिक्शनलेस। रेडियस हमें गिवन है 5 मीटर एंड सेंट्रीपेटल फोर्स उस पर लग रही है 50 न्यूटन। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द पर्सन मूव्स थ्रू 1/2 ऑफ द रोटेशन। तो मान लेते हैं कि कोई पर्सन है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट ना करके हाफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखिए, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगती है वो सेंटर की तरफ लगती है, और डिस्प्लेसमेंट होता है उसके टेंजेंट के अलावा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या इसको आप fs cos theta भी तो लिख सकते हैं। अब क्योंकि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 90 डिग्री, किसी भी इंस्टेंट पर आप देखोगे फोर्स सेंटर की तरफ होगी, डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर होगा या टेंजेंट के अलोंग के लो। तो क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, सो दैट्स व्हाई वर्क डन यहां पर कितना होगा 0। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है 162, टू कंजर्वेटिव फोर्स है F1 और F2 जो कि साइमल्टेनियसली एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है। द वर्क डन उनके बीच में W1 और W2 गिवन है, आपको बताने कि W1 और W2 में क्या रिलेशन होगा। तो देखो, मैं पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें वर्क डन बाय फोर्स ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसे फिनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। वर्क डन बाय फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर मान लीजिए कोई क्लोज लूप है या क्लोज पाथ है तो उसमें हमेशा जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो, क्योंकि फोर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव भी हुई है। तो और यहाँ पर बोला भी गया है, देखो ये जो इंट्रीगल है ये क्लोज इंट्रीगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जो लूप है जिसके ओवर हम इंट्रीगेट कर रहे हैं वो क्लोज लूप है, तो इसलिए वर्क डन कितना होगा, दोनों ही केस में वर्क डन रहेगा 0। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 163, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम और स्पीड में रिलेशन ये होता है, एल वेक्टर इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, और इसको आप आर क्रॉस पी मतलब लीनियर मोमेंटम, इसको आप एम वी वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो क्या एंगुलर मोमेंटम हमेशा जीरो होगा? तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि हमेशा ही जीरो होगा। इट इज वैल्यू इज ऑलवेज नॉन जीरो, नहीं ये भी नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तब तो ये जीरो हो जाएगा। तो स्टेटमेंट भी सही नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। इट्स वैल्यू इज जीरो ओनली वंस ड्यूरिंग इट्स जर्नी, क्या पूरी जर्नी में सिर्फ उसकी वैल्यू एक ही बार जीरो होगी? नहीं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। वो एंगल पर भी डिपेंड करेगा, आर पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है, इट्स वैल्यू इज जीरो ओनली इफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू द ओरिजिन। देखो, यहाँ पर जब उसकी ट्रेजेक्ट्री ओरिजिन से जारी होगी तो जो आर वेक्टर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब क्योंकि r वेक्टर जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? जीरो। तो ये स्टेटमेंट सही है कि उसकी वैल्यू जीरो होगी इफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू द ओरिजिन। और वैसे भी बाकी तीनों स्टेटमेंट तो गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 164, अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड अराउंड रिम ऑफ फ्लाई व्हील, द मास एंड डायमीटर आपको गिवन है 10 kg एंड 20 cm। अब इस कोड को हम नीचे पुल कर रहे हैं, व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील। देखो, कुछ ऑटो आपने देखे होंगे, ऑटो पहले ऐसे आते थे, अब तो सेल्फ स्टार्ट आते हैं। उन ऑटो में ना रस्सी बांधी जाती थी फ्लाई व्हील पर, और उस रस्सी को खींचा जाता था और तब जाकर के वो ऑटो स्टार्ट होते थे। ये काफी साल पहले इस तरह के ऑटो चलते थे, अब तो नहीं चलते हैं। तो ऐसे ही कुछ कनेक्शन यहाँ पर है, सिस्टम ये है कि इस फ्लाई व्हील में एक रस्सी बांधी हुई है, मान लेते हैं कोड है, और इसको हम खींच रहे हैं। तो हमें बताने, जब इसको आप खींच रहे होंगे तो इसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्सेलरेशन यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। देखो, जब आप इसको खींच रहे होंगे तो इसमें रोटेशन मोशन होगा, और क्योंकि रोटेशन मोशन हो रहा होगा तो इसमें टॉर्क लग रही होगी, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है I into alpha, और
अगर टोर का फॉर्मूला आर और एफ के बीच में रिलेशन लिखें तो टोर की इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो दोनों ही रिलेशन को हम यूज करके अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई अल्फा इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो फोर्स लग रही है इस पर नीचे की तरफ, आर वेक्टर आपका इसका आर वेक्टर हो जाएगा इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं आर एफ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर आर एफ साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे वो हम लेंगे फ्लाई व्हील का, तो अल्फा आर एफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील का होता है हाफ एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, तो एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 2f अपॉन में m। सो अल्फा विल बी इक्वल टू, देखो आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ पर m, एक यहाँ पर r भी बचेगा, तो 2f अपॉन में m इंटू में r। अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं, फोर्स कितनी है 10 न्यूटन, मास कितना है 10 kg और r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर को हम 10 की पावर माइनस 2 लिखेंगे ताकि वो मीटर में हो जाए। अब देखिए यहाँ इसको कैंसिल कर देते हैं 20 से, तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा। एक और चीज़ यहाँ पर जो रेडियस है ना वो 20 का हाफ होगा क्योंकि डायमीटर है, तो मैं इसको यहाँ पर हाफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डायमीटर है 20, रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इट विल बी 20 और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 165, दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, एक एसेल्सन और रीजन, बताना है कि कौन ठीक होगा ए बी सी डी में से। पहला है इफ द टेम्परेचर इंक्रीज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप विल इंक्रीज। देखो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, वो उसका फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन में वेवलेंथ, और जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है गामा आर टी अपॉन में एम। यहाँ पर ये जो टी है ये है टेम्परेचर, यानी जो स्पीड है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर, और जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, स्पीड पर। तो हम ये कह सकते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी भी तो डायरेक्टली रूट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, ये बात बिल्कुल सही है। असर्शन क्या है, द टेम्परेचर इज इंक्रीज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप विल इंक्रीज, तो बिल्कुल सही बात है ये तो। रीजन क्या है इसका, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड वेव एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स इंक्रीजेस। यही तो चीज मैंने आपको समझाया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड भी तो इंक्रीज होगा, तो एसर्जन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, इसका मतलब बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इस हिसाब से हमारी स्टेटमेंट ए करेक्ट होगी। ध्यान रखना स्टेटमेंट ए करेक्ट होगी लेकिन ऑप्शन ए फर्स्ट करेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब जल्दबाजी में वहां पर ऑप्शन ए भी लगा देते हैं कुछ बच्चे, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा यानी कि स्टेटमेंट ए सही होगी। जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट ही लगा देते हैं, तो 2 का ए यानी कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। नेक्स्ट है 166, फॉर द गिवन सेगमेंट ऑफ द, यहाँ पर मैचिंग करनी है आपको पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का। देखो यहाँ पर पहले करंट गिवन है 5 एम्पियर, तो उसके लिए पोटेंशियल ए बी के बीच में कितना आएगा, तो अगर मैं ए बी के बीच का पोटेंशियल लिखूं तो देखो एक तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा, और जब यहाँ पर करंट जाएगा आई तो इसकी वजह से भी तो यहाँ पर पोटेंशियल आएगा जो कि होगा 2 इंटू में आई। तो अगर मैं ए बी के पोटेंशियल देखूं तो यहाँ से इधर जा रहे हैं तो एक तो पोटेंशियल आपका हो जाए 2 इंटू में आई, और फिर इस तरफ जा रहा हूँ तो पहला सिग्नल कैसे मिला माइनस का, यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस के 10। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस वी हम फाइंड कर रहे हैं, करंट की वैल्यू अगर 5 एम्पियर है तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू 5, ये कितना आ जाएगा 0। तो जब करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0 वोल्ट आएगा, यानी कि ए को हम मिलाएंगे क्यू से। अब आप देख लो ए का क्यू कहाँ से मिला हुआ है, ए का क्यू सिर्फ इसमें आ रहा है, बाकी किसी में तो ए में क्यू नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप करंट की वैल्यू 0 रखेंगे तो पोटेंशियल तब तो सीधा 10 ही आ जाएगा, और अगर आप -5 लिखेंगे तो तब ये 20 आ जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप करें 2 इंटू आई की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 है तो -10, तो ये हो जाएगा
टू इंटू जीरो मतलब -10, तो जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा, 10 वोल्ट। एक्चुअली -10 इसलिए आ रहा है क्योंकि पोटेंशियल जो करंट है वो बी से ए की तरफ जा रहा है, तो इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए 10। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो 10 आएगा, और जब आप -5 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20। वो बस नेगेटिव साइन उसके करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 167, डाइपोल की डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है 2 × 10⁻¹। मैग्नीट्यूड गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो थीटा भी गिवन है। हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना हो, तो बहुत सिंपल क्लास 12 पर बेस्ट है। टॉर्क इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई, पी होता है डाइपोल मोमेंट और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप पी ई साइन थीटा भी लिख सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सभी वैल्यू में पता है पी की वैल्यू 2 × 10⁻¹, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 6 × 10⁴, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻¹, 6 × 10⁴ और 1/2। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 168 है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं रेड, येलो, ब्लू और वायलेट कलर के, तो हमें इसका सीक्वेंस बताना है किस तरह से, कौन कम होगा कौन ज़्यादा होगा। तो देखो पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, जब हम विवग्योर लिखते हैं, विवग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज करती है, जो वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज करेगी, यानी कि रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होगी और वायलेट कलर की मिनिमम वेवलेंथ होगी। दूसरा जो वेवलेंथ है, कोची रिलेशन आपने पढ़ा होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो यहाँ पर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप इसको म्यू से डिनोट करो या एन से डिनोट करो एक ही बात है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, तो सबसे कम किसका होगा, रेड का। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, ऑरेंज, ऑरेंज को छोड़ दो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, उसके बाद आ रहा है येलो, तो उसके बाद लिख लो आप येलो, फिर उसके बाद ग्रीन, ग्रीन नहीं ऑप्शन में, ब्लू आ जाएगा ब्लू, और फिर उसके बाद आ जाएगा वायलेट। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली डिपेंड करता है। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रेड की मिनिमम और वॉयलेट का मैक्सिमम, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 169 है, पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट स्पीड वी, टू वी, थ्री वी, एन वी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम इक्वल होगा हर एक इंटरवल का, तो बताने की एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो देखो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अभी टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें, टोटल टाइम कितना निकालें वो देखते हैं। तो देखिए क्योंकि हमारे पास अलग अलग स्पीड है और अलग अलग टाइम है, तो हम हर डिस्टेंस को अलग अलग निकालेंगे। तो मान लेता हूँ पहले इंटरवल में टाइम टी है तो तब स्पीड रहेगी वी, फिर दूसरे इंटरवल में इक्वल इंटरवल है तो टाइम तो टी रहेगा लेकिन अभी स्पीड कितनी होगी, 3 वी, फिर अगला इंटरवल आया टाइम तो टी होगा लेकिन स्पीड कितनी होगी, 3 वी, इस तरह से एन इंटरवल है हमारे पास। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो मैं मान लेता हूँ कि पहले बार उसने डिस्टेंस कवर किया x1, फिर x2, फिर x3, तो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा x1 प्लस x2 जो भी होगा xn डिवाइड में। अब टोटल टाइम, क्योंकि हर एक इंटरवल में टाइम इक्वल है तो मैं सभी को टी प्लस टी इस तरह से एन टाइम उसको ऐड कर लूंगा। x1 डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम, तो x1 कितना हो जाएगा, पहली स्पीड कितनी है वी, टाइम कितना टी, v1 पहली स्पीड कितनी वी है, v1 नहीं सिर्फ वी है, प्लस उसके बाद x2 मतलब डिस्टेंस इन बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो अभी स्पीड कितनी है 2v और टाइम तो उतना ही है t, फिर अगला जो x3 होगा उसके लिए 3v इंटू टाइम कितना t, टाइम इक्वल है क्योंकि बोला गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और फिर nv इंटू में टाइम t। सिमिलरली डिनोमिनेटर में तो इसको हम n टाइम ऐड कर रहे हैं तो nt लिख सकते हैं, मतलब t plus t, तो nt आप लिख सकते हो n टाइम से ऐड कर रहे हैं। अब ऊपर से हम vt कॉमन ले लेते हैं, vt नीचे है एन टी, और ऊपर हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3
प्लस एन टाइम से ऐड करना है इसको हमें, टी से तो टी कैंसिल आउट होगा तो वी अपॉन में एन। अब देखो आपको फॉर्मूला पता होगा, समेशन ऑफ एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन में टू, मतलब जैसे ये है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, इसको अगर आप एन टाइम्स ऐड करो तो इसको आप शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन में टू। तो वही चीज है, वन प्लस टू प्लस थ्री को मैं क्या लिखूंगा, एन इंटू में एन प्लस वन अपॉन में टू, एन से तो एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो एवरेज स्पीड है वो आएगी एन प्लस वन अपॉन में टू इंटू में वी। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 170 है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी इन वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ 100 मीटर। तो मान लेते हैं 100 मीटर का टावर है और यहां से किसी बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। आगे बोला गया है कि द पार्टिकल इज 10 मीटर अबव द टावर एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, यानी टाइम जब 1 सेकंड है तो ये कितनी हाइट ऊपर चले गए 10 मीटर, और फिर ये 20 मीटर ब्लो आ रहा था जब टोटल टाइम हो गया 4 सेकंड का। तो आपको बताना है कि स्पीड और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। देखो ये है फ्री फॉल मोशन का केस, तो फ्री फॉल मोशन में जो एक्सेलेरेशन होता है वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक बात तो श्योर है कि जी की वैल्यू 10 होगी और डाउनवर्ड होगी, तो जी की वैल्यू 10 डाउनवर्ड, जी की वैल्यू 10 डाउनवर्ड ये तो नहीं होगा क्योंकि 5 नहीं होगी और 5 भी नहीं होगी। तो बचे हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन टू। अब देखो दोनों में जी 10 दिया हुआ है, डाउनवर्ड दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि स्पीड दोनों में सेम है 15, तो बस आप ये देखो कि स्पीड नीचे की तरफ होगी कि ऊपर की तरफ होगी, यहाँ पर अपवर्ड है और यहाँ पर डाउनवर्ड है। अब क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर तभी जा रहा होगा जब स्पीड अपवर्ड होगी, तो इसका मतलब यह है कि स्पीड डाउनवर्ड ना होकर के ये रहेगी अपवर्ड, और बिना कैलकुलेशन के हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं कि ये 15 आएगा कैसे। देखो तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है, तो और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये तीनों इक्वेशन हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये जो फ्री फॉल मोशन होता है या मोशन अंडर ग्रेविटी होता है वन डायमेंशन में, ये भी तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट होता है, जी की वैल्यू 10 हमेशा रहती है। तो अब मैं इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इसके लिए सिर्फ कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10, स्पीड इनिशियल नहीं पता, टाइम कितना 1 सेकंड प्लस 1/2। अब क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो जब भी ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन को हम लेते हैं माइनस, यानी कि क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, फाइनली उसकी स्पीड कम हो रही होगी, तो उसको हम लेंगे माइनस का 10 और टाइम की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 यू माइनस 5, क्योंकि आप इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर 5 आएगा, तो u की वैल्यू ये जब इधर जाएगा 10 प्लस 5 होगा, 10 प्लस 5 मतलब कितना 15, तो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड रहेगी इनिशियल स्पीड, तो वही यहाँ पर आ भी रही है v इक्वल टू कितना 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।